हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस, माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? आज जैसे जैसे कि हमारे यूनियन का पोर्टल करीब आ रहा है, फिर से मार्च और अप्रैल में यूनियन होने वाले हैं। बहुत सारे जल्दी जल्दी डाउनलोड्स मुझे डिवाइन से एज अ गाइडेंस आपके लिए मिल रहे हैं और मुझे बहुत ज़रूरी है आपको ये बहुत ही ज़रूरी बातें बताना। दोस्तों, ये डिवाइन का स्ट्रेट गाइडेंस है। प्लीज़ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगी दैट नीड टू बी कम्प्लीटेड। ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस वक्त जब हमारा यूनियन करीब आने का होता है, हमें बहुत सारे रिलीज करने होते हैं। ओके, रिलीज में देखिए, सबसे पहले ईगो होता है, जो कि हम लोग साल भर से अपना जो इनर वर्क कर रहे हैं हम रिलीज कर रहे हैं। बट ईगो मतलब क्या होता है? ईगो मतलब कि ऑल नेगेटिव जो एनर्जीज होती हैं, ठीक है, इट कुड बी एक्चुअली योर ईगो, इट कुड बी योर शेम, फियर, गिल्ट, ऑल और डिसअपॉइंटमेंट्स, ओके, ऑल द लो वाइब्रेशनल जो एनर्जीज होती है वो सब हमारे ईगो से ही आती हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमने गलत काम किया, हमें गिल्ट फील हो रही है या हम नहीं कर पाएंगे, वो फियर है। तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम योर ईगो। जब आप हर चीज़ के लिए अपने अंदर एक मैं रखते हो, ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सो इट इज़ योर ईगो। तो रिलीज़ योर ईगो, ठीक है, रिलीज़ योर पास्ट लवर्स। अब पास्ट लवर्स मतलब क्या है? आप में से बहुत लोगों की हो सकता है मल्टीपल अफेयर्स हो चुके हैं अपने ट्विन के मिलने से पहले। बहुत से लोग आपकी सोल सर्च कर रही थी, कई आपके अफेयर्स हुए और आपने उनको शायद जिस भी कंडीशन में आपने छोड़ा उनको, ठीक है, मे बी कि उन्होंने आपको हर्ट किया, मे बी आपने उनको हर्ट किया, मे बी किसी ने किसी को आपके डीएम के आने के बाद दोबारा से किसी और के साथ अफेयर करने की कोशिश करी जस्ट टू अपने उस पेन से बचने के लिए, राइट? आपने किसी के दिल के साथ खेला, आपने किसी का इस्तेमाल किया, आपने किसी को यूज़ किया सिर्फ अपने पेन से बचने के लिए, या आपने जाने अनजाने किसी के दिल के साथ खेला, या आपने किसी को छोड़ दिया, या किसी ने आपको छोड़ दिया। एनी हाउ, एनी साइड, जो भी वुंड्स दिए या लिए, ठीक है, अगर आपके अंदर वो वुंड्स हैं, वो सब आपको जल्दी जल्दी रिलीज करना है। चाहे आप लिख के रिलीज करिए, आप मेडिटेशन में रिलीज करिए, राइट? जिन जिन के साथ आपने गलत किया है, मेडिटेशन में उनसे माफ़ी मांगिए, उनकी आत्मा से माफ़ी मांगिए, उनको विजुलाइज करिए, उनको डिवाइन लाइट से उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, डिवाइन लाइट की ब्लेसिंग्स उनको दीजिए, उनको विजुलाइज करिए, उनसे माफ़ी मांगिए और उनसे कॉर्ड कट करिए, ठीक है। इस प्रकार से हमें पास्ट लवर्स को रिलीज़ करना है, आपके जो वुंड्स हैं उनको रिलीज़ करना है, आपके जितने भी हर्ट्स हैं जो बच्चे हैं। देखिए, हर्ट्स जो भी चीज़ें हैं, मेडिटेशन में आप दोनों साइलेंट मेडिटेशन करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके सामने ध्यान में कुछ चेहरे आते हैं। जब भी किसी का चेहरा आए, ये सोचिए इसका चेहरा क्यों आया, इसका मुझसे क्या कनेक्शन है। कोई भी आपके ध्यान में ऐवे ही नहीं आता है, राइट? या तो आपको माफ़ी मांगनी होती है, या उसने आपको उसको आपसे माफ़ी मांगनी होती है, मतलब आपको फॉरगिव करना है, राइट? हमको सबको ध्यान में, साइलेंट मेडिटेशन में माफ़ करना है, रिलीज़ करना है, कॉट कट करना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। जिन जिन ने नहीं करी है, जो लोग सिर्फ इनर वर्क कर रहे हैं पर अभी रिलीज़ नहीं किया है, माफ़ नहीं किया है, माफ़ी मांगी नहीं है, कॉर्ड कट की नहीं करा है, वो सब कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड चीज़, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज सोल टू सोल लव। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसकी शादी हो गई है या उसकी शादी होने वाली है, या कोई भी नाराज़गी आपको अपने पर्सन से है, ठीक है, कोई नाराज़गी रखने का आपको अधिकार नहीं है, कोई शिकायत आपको करने का अधिकार नहीं है। आपको समझना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ अंडर डिवाइन प्लान, ठीक है। तो अपने डीएम को भी माफ़ करना है, राइट? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने डीएम को विजुलाइज करिए, उसके डिवाइन लाइट को फील करिए कि उसका थ्रोट चक्रा क्लीन हो रहा है, उसका हार्ट चक्रा क्लीन हो रहा है, आपका भी थ्रोट चक्रा, आपका भी हार्ट चक्रा क्लीन हो रहा है, ठीक है। वो भी वुंडेड है, वो भी मिस कर रहा है, उसके अंदर भी पेन भरा हुआ है, राइट? सिर्फ आप अकेले वुंडेड नहीं है, वो भी वुंडेड है। आपको तो रिलीज़ करना मैंने सिखाया है, उनको तो रिलीज़ करना आता भी नहीं है। उनके पेन को रिलीज़ करिए, विजुलाइजेशन में रिलीज़ करिए, राइट?
डिवाइन लाइट से आप उनके पेन्स को रिलीज करिए, उनके हार्ट थ्रोट चक्रा को क्लीन करिए, उनके हार्ट चक्रा को क्लीन करिए, उनके अंदर उनके हार्ट स्पेस में जो भी पेन है उसको रिलीज करिए, ठीक है, उसको हील करिए। आप विजुलाइजेशन में सेशन में आराम से कर सकते हो, ठीक है। एंड देन कॉर्ड कट, ठीक है, डिवाइन की ब्लेसिंग देने के बाद कॉर्ड कट कर सकते हैं। और आपको एक चीज समझनी है कि आपका पर्सन एनर्जी है, आप भी एनर्जी हो, राइट, तो वो एनर्जी ऑलरेडी आपके अंदर है। ये चीज मैंने सुबह मॉर्निंग की वीडियो में भी बोली थी, मैंने कई दिनों से बार बार ये बोल रही हूँ, बिकॉज आप लोग 3D के ही मैसेज कॉल में पे फंसे हुए हो, 3D की मैरिज पे फंसे हुए हो, उसकी मैरिज हो गई मैडम मैं क्या करूँ, मैडम उसकी एंगेजमेंट हो गई मैं क्या करूँ, एंगेजमेंट हो गई तो क्या हो गया, मैरिज हो गई तो क्या हो गया, राइट, जो कर्मा था वो तो उसको करना पड़ेगा, बट सी दिस इज सोल टू सोल लव, ही इज इनसाइड यू, ही इज नॉट विद दैट थर्ड पार्टी, अंडरस्टैंड, थर्ड पार्टी के पास उसकी फिजिकल बॉडी हो सकती है, क्या आपको फिजिकल बॉडी वाला ही लव चाहिए, तो डोंट टेल दिस इज द ट्विन सोल लव, बिकॉज दिस इज सोल टू सोल लव, दिस इज अ लव ऑफ एनर्जीज, टू एनर्जीज, वन बॉडी, वन सोल टू बॉडी, ओके, तो ये वन सोल टू बॉडी का लव है, राइट, तो दोनों सोल एक दूसरे के अंदर ऑलरेडी है, राइट, इस चीज को, क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा सुनने के बाद भी पेन से गुजर रहे हो, तो आई मस्ट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, यू आर वन सोल इन टू बॉडी, राइट, ही इज एनर्जी, यू आर एनर्जी, राइट, तो ही इज ऑलरेडी इनसाइड यू, डोंट सर्च हिम आउटसाइड एनीवेयर, वो किसी के साथ भी है, किसी भी कार्मिक के साथ है, तो उसकी बॉडी है, 3D बॉडी है, सोल इज विद यू, सोल इज इनसाइड यू, इसको कहीं लिख लीजिए, जिनको ये हर्ट होता है कि वो कार्मिक में फंसे हुए हैं, चलिए कार्मिक से याद आया, जितने भी कार्मिक्स आपके हैं उनसे माफी मांगिए, सबको रिलीज करिए, क्योंकि हर्ट्स वुंड्स हमको सबके साथ रिलीज करने हैं बिफोर यूनियन, राइट, जितने भी कार्मिक्स हैं उनकी थर्ड पार्टी को अगर आपने हर्ट किया, पेन दिया, वुंड दिया, कर्स किया, उनकी थर्ड पार्टी को विजुलाइज करिए, उनको उनको उनसे माफी मांगिए या उनको माफ करिए अगर उन्होंने आपको हर्ट किया, और सेशन में रिलीज करिए, राइट, एंड कॉर्ड कट करिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी लाइफ में जितने भी कार्मिक आए, जो कि अक्सर बार बार आपकी मेडिटेशन में आ रहे हैं, आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, ठीक है, उनको विजुलाइज करिए, उनसे फॉरगिवनेस मांगिए, उनको फॉरगिव करिए, ठीक है, उनको डिवाइन की ब्लेसिंग्स दीजिए, डिवाइन की वाइट लाइट की ब्लेसिंग्स दीजिए और कॉर्ड कट करिए, ठीक है। जैसे कि मेरी पिछली चैनलिंग थी डिवाइन, जो डिवाइन गाइडेंस वाली, कि डिवाइन इज वेरी हैप्पी विद यू, ओके, डिवाइन आपको अप्रिशिएट कर रहा है, तो आपको बिल्कुल ये होप रखनी है कि आपने, आपको सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहिए खुद को कि यस मैंने इनर वर्क किया है, आपको ट्रस्ट करना है कि डिवाइन अगर आपको कह रहा है कि ट्रस्ट करो तो आपको ट्रस्ट करना है, डिवाइन इज हैप्पी विद यू, मेरी लास्ट चैनलिंग थी, राइट, कल या परसों, सो व्हेन डिवाइन इज हैप्पी विद यू, ट्रस्ट कि हाँ मेरा यूनियन होगा, ठीक है। देखिए इस बीच में हमें मिस्टेक नहीं करनी है, मैं ये सब बातें क्यों बता रही हूँ बार बार, बिकॉज हमें मिस्टेक नहीं करनी है, और आप क्लेंजिंग करिए घर का, हफ्ते में एक या दो बार ऑरा क्लेंजिंग करिए, अपना ऑरा लॉक करिए, ठीक है, प्रोटेक्शन लीजिए, खुद को प्रोटेक्शन दीजिए, अपने पर्सन को प्रोटेक्शन दीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्शन दीजिए, ठीक है, और याद रखिए डिवाइन इज ऑलवेज विद यू, डिवाइन इज इन योर फेवर, राइट, You should trust divine. Do your inner work and let go. फिर आप कहोगे कि मैम इतना हम दर्द में हैं, कितना वेट कर रहे हैं, देखिए आप दर्द में हो, आप इंतजार का क्यों कर रहे हो, जब तक आपका कार्मा है, जो योर कार्मा नीड टू बी क्लियर, भगवान खुद भी रोता है कि आपका इतना कार्मा है और आप तड़प रहे हो, ठीक है, बट कार्मा तो क्लियर करना ही है, ये जर्नी का सबसे पहला चीज है कार्मा रिलीज, इसलिए मैंने कार्मा रिलीज सेशन आप लोगों के लिए बनाया था, ठीक है, फॉर मल्टीपल लाइफ टाइम इन द सेलुलर लेवल, राइट,
तो कार्मा तो क्लियर करना है, उसको हम लोग कुछ कुछ नहीं कर सकते, नो वन कैन हेल्प यू आउट, बट हाँ हम लोग जो कर सकते हैं हम इनर वर्क करें, हम अपने हर ब्लॉकेजेस को हील करें, राइट हम हर एक 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 जन को माफ़ी मांगें, उसको माफ़ करें, अपने अंदर के सारे इनर वूंड्स सबको हर्ट्स को रिलीज करें, राइट जो हम कर सकते हैं हम अपने कर्म करें और हमारे कार्मा को भगवान के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। भगवान कभी अन्याय नहीं कर सकता। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, डू योर इनर वर्क, ट्रस्ट द गॉड एंड देन लेट गो। ठीक है दोस्तों, ये अभी की चैनलिंग थी आप लोगों के लिए। एंड टाइम पे आप लोगों से ज़रा सी भी मिस्टेक ना हो जाए, कोई भी कमी ना रह जाए, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ और ऐसे ही गाइड करूँगी। एंड दिस इज़ द डिवाइनली गाइडेड चैनल, मेरी सारी जो भी मैं आपको गाइड करी हूँ ये स्ट्रेट डिवाइन का ऑर्डर है, गाइडेंस है, ट्रस्ट करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।